मेरा नाम अमन सिद्धार्थ है और पुराना जागरूक लैब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम कैपेसिटर चेक करने का तरीका बताएंगे। कैपेसिटर चेक करने के लिए हमें सीरीज बोर्ड चाहिए, जो कि पहले मैंने वीडियो में बनाने का आपको तरीका दिखाया है, वो आप देख सकते हैं। और मल्टीमीटर से भी चेक किया जाता है। अभी मैं आपको सीरीज बोर्ड से चेक करके दिखाऊंगा। ये देखें, मेरे पास कैपेसिटर पड़े हुए हैं। ये 4-5 का जो पेडस्टल फ़ैन में लगता है, ये 3-5 का ये सीलिंग फ़ैन में लगता है, ये 7-5 ये एयर कूलर में इस्तेमाल होता है, ये 20 UF ये हमारे पंप मोटरों में इस्तेमाल होता है, 10 UF ये हमारी वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होता है, और 30 UF ये मोटरों में इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको इसको बारी बारी चेक करने का तरीका बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर करंट स्टोर करता है, तो अब मैं आपको इसे चेक करके बताता हूँ। मैं आपको अब सीरीज लैंप की मदद से कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूँ। मैं एक दफ़ा सब कैपेसिटर को चार्ज कर लेता हूँ। थोड़ी देर आपने लगा के रखना है। कैपेसिटर चार्ज कर लिए हैं। अब मैं आपस में इन्हें शॉर्ट, अगर कैपेसिटर ठीक हुआ तो ये स्पार्क करेगा। ये देखे स्पार्क किया, ये देखे स्पार्क इसने भी किया, ये भी स्पार्क हुआ कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर। इस तरह अगर कैपेसिटर चार्ज करने के बाद ये इस तरह स्पार्क करे तो आपका कैपेसिटर ठीक है, तो सीरीज लैंप भी चले तो आपका कैपेसिटर ठीक है। मौसम गर्मी का शुरू हो गया तो कैपेसिटर क्योंकि जल रहे हैं पंखों के, तो लोग नेट काट रहे हैं, तो मैंने कहा ये इस पर एक वीडियो बना दो। इस तरह हर एक कैपेसिटर चेक किया जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।